में प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम सब में स्वाभाविक रूप से कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। कोई जन्मजात चित्रकार होता है तो कोई कलाकार। बस आवश्यकता होती है इन प्रतिभाओं को पहचानने की और इन्हें निखारने की। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न बाल गतिविधियां आयोजित की गई। दोस्तों, ये तो आप और हम जानते ही हैं कि बाल दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। जी हाँ, इसी दिन हम सबके प्यारे चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है। तो आइए विभिन्न बाल गतिविधियों पर नजर डालें। बच्चों की पंखुड़ियां, बाल दिवस पर चित्र कला प्रतियोगिता, प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तंदीर जी का बच्चों के नाम संदेश, बच्चों एवं युवाओं के लिए राज्य बाल विज्ञान प्रदर्शनी। तो आइए आप और हम मिलकर इन गतिविधियों को देखें। बाल दिवस के अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ केंद्र द्वारा बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम पंखुड़ियां आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन करते हुए अनेकता में एकता का परिचय दिया। बच्चे अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया दीक्षा परिवार ने। दीक्षा परिसर में बाल दिवस के अवसर पर बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने रंगों की छटा बिखेर कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को हमारे मुख्य अतिथि श्री एस पी आर्या, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पुरस्कार प्रदान करके उनका उत्साह बढ़ाया। प्राचीन काल से रंगमंच का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तंदीर जी ने बच्चों के नाम एक संदेश में कहा, नाटक तो बहुत अच्छी चीज है और बच्चों के लिए खास तौर से इस विधा को अपनाना चाहिए। इसलिए भी जैसा कि ये भी आपने खुद कहा कि इसमें सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तमाम कलाएं, पेंटिंग का, प्लास्टिक आर्ट, आर्किटेक्चर का आर्ट, संगीत, अभिनय, नृत्य, जो हमारे यहाँ जो टोटल थिएटर का कॉन्सेप्ट है उसमें भी और वैसे भी ये एक अमलगम है, तमाम चीज़ों का मजमुआ है जिससे कि नाटक पैदा होता है। और एक लेखक होता है, अगर लेखक है तो, या अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियाँ होती हैं, वो मिल के करती हैं। दर्शक होता है, इसके बगैर नाटक मुमकिन नहीं है। और उसका भी एक दूसरे पर जो असर पड़ता है, हाँ, उससे वो चीज़ पैदा होती है। उसमें फिर पर्सनैलिटी बिल्डिंग, एक व्यक्तित्व बढ़ता है बच्चे का। अगर वो जाके आगे चल के अभिनेता बनना चाहता है या वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो मुबारक, बन सकता है धीरे धीरे। विज्ञान का हमारे जीवन के साथ गहरा रिश्ता है। बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी कायमगंज जिला फरुखाबाद में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय था विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
पिछले दिनों की गतिविधियां। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई नई बाल गतिविधियों के साथ।